हेलो बच्चों, कैसा रहा आप लोगों का पेपर? चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग 45 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले लूंगा जो मुझे लगता है कि आपके लिए टफ होगा, और जो इजी होगा या सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन होगा उसको मैं स्किप करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर का लाइव डिस्कशन। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमने एक सर्कल ले लिया बच्चों, इसका आपको रेडियस गिवन है r इक्वल्स टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे बोल रहा है कि विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 × 10^16 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास? 5 × 10^16 हर्ट्ज, इतनी आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और किस तरफ घूम रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। द इक्विवेलेंट लूप करेंट, तो इसमें जो करंट डेवलप होगा आई, वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, आई आपको फाइंड आउट करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो हमारा चार्ज कितना हो गया? क्यू बराबर हो गया ई, दैट इज 1.6 × 10^-19 कूलम। ठीक है, प्लस अगर मान लो एक पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूं, ये पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से गुजरा, ठीक है, यहां से निकला, तो फिर ये वापस कितने समय बाद यहां पर आएगा बच्चों? ऑब्वियसली एक साइकिल पूरा करने के बाद यहां आएगा, मतलब, और एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। तो एक टाइम पीरियड के बाद यहां से वापस जाएगा, ठीक है, गुजरेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने समय बाद कितने समय में यहां से फ्लो कर रहा है? तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड के बराबर। ठीक है, तो जो यहां टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? टाइम पीरियड के बराबर। ठीक है बच्चों, और हमने पढ़ा है कि करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज कितना है भाई? ई, और टाइम कितना है? टाइम पीरियड के बराबर। आपने सीखा है बच्चों कि 1/टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सो यहां पर करंट जो है वो कितना हो जाएगा? ई इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ई इंटू एफ के बराबर। आप इसको जो है नॉर्मली क्या बोलते हैं, थ्योरी के वे में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि कोई चार्ज इस तरीके से रोटेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी करोगे तो आपको लूप करंट मिल जाएगा। इसको आप थ्योरी के रूप में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इस समय आपके पास चार्ज जो है वो ई है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है, तो ई हो गया 1.6 × 10^-19, एंड फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? 5 × 10^16, तो 16×5 = 80, 8 हो गया बच्चों, और ये -3, 8 × 10^-3 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 8 मिली सेकेंड। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है अपना, सॉरी करंट निकाला है ना हमने, एम्पियर, 8 मिली एम्पियर, अंडरस्टूड? ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, ठीक है, 8 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी में भी है और डी में भी है। अब देखो करंट किधर फ्लो होगा, उसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो चूंकि हमने बताया हुआ है बच्चों कि करंट का जो डायरेक्शन होता है, करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, और बैटरी में पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का केस है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बह रहा है, नेगेटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बह रहा है, तो करंट उसके अपोजिट में यानी क्लॉकवाइज बहेगा। ठीक है, तो 8 मिली एम्पियर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कौन सा हो गया बच्चों आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है बच्चों? ए मेटल वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज अ रेजिस्टेंस R1। ठीक है, ओरिजिनल जो उसका रेजिस्टेंस है क्वेश्चन नंबर 2 R1 है। फिर बोलता है कि
द वायर इज नाउ स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, है ना, लेंथ को क्या कर दिया डबल, लेंथ को कर दिया डबल. And the density is assumed to remain same. If the resistance of the wire now becomes R2, नया resistance क्या हो गया आपका R2. तो बच्चों यहां से question देख करके आपको clear समझ में आ रहा है क्या कि ये जो है एक wire को stretch करके double किया गया है. तो बताओ ये कौन सा केस हो जाएगा, स्ट्रेचिंग वाला केस. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ना, स्ट्रेच करते हैं तो मटेरियल इसमें एडअप या सब्ट्रैक्ट नहीं होता, मटेरियल तो उतना ही रहता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है. तो ये कौन सा केस है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वाला केस है. अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वाला केस नहीं होता है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हुआ करता था, लेकिन जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता था तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, एल स्क्वायर होता था. ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है. तो आर क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है. ठीक है, तो अगर आप L को डबल कर दोगे तो R क्या हो जाएगा बच्चों, R 4 टाइम्स हो जाएगा. तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स R1. आ रही बात समझ में, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स R1. ये चीज हमने सीखा है, तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, है ना, कि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर. L को हमने डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा. तो ये 4 टाइम्स हो गया. ठीक है, तो अगर आपको R2 और R1 का रेशियो चाहिए तो R2 बाय R1 क्या हो गया 4, 4 बाय 1 दैट इज 4:1. ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला केस है. क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो. The electric resistance of a certain wire of iron is R if its length and radius are both doubled. नहीं, sorry, ये constant volume वाला case नहीं है. Question number 3. ठीक है, यहां पर कहीं भी ये mentioned नहीं है कि constant volume है. ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि length को भी double कर दिया. If length and radius are both doubled, how then resistance and specific resistivity of the wire changes? ठीक है, resistance पर क्या असर होगा और रेजिस्टिविटी पर क्या असर होगा. तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो तो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस वगैरह से कोई लेना देना नहीं है. तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ तभी चेंज होता है जब हम क्या करें, उसके टेम्परेचर को चेंज कर दे या फिर मटेरियल को चेंज कर दे. तो यहां दोनों ही केस नहीं है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. बात आती है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए. तो आर इज एल बाय ए, आपने एल को और ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो रेजिस्टेंस एल और आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया. ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको. तो आपने क्या किया बच्चों, लेंथ को किधर गया, लेंथ को कर दिया डबल. ठीक है, तो लेंथ को कर दो डबल 2L, और रेजिस्टेंस को कर दो सॉरी रेडियस को कर दिया वो भी डबल. तो डबल तो ये क्या हो जाएगा 4 times R. ठीक है, 4 times R हो गया. ये सपोज मेरा न्यू रेजिस्टेंस हुआ R'. ठीक है, ये मेरा क्या हुआ न्यू रेजिस्टेंस. तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 पकड़ के डिवाइड कर लो. तो ये L और ये L, ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा बच्चों. तो R बाय R' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा. देयरफोर नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R बाय 2. तो क्या समझा बच्चों कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, और रेजिस्टिविटी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो द रेजिस्टेंस विल बी हाल्व्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर B. ठीक है, ये हो जाएगा आपका. आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. याद करो हमने पढ़ा था VI ग्राफ, है ना. VI ग्राफ क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ. फिर वहां हमने सीखा था कि अगर आप VI ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हो, है ना, VI ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको क्या देता है, VI ग्राफ का स्लोप देता है आपको रेजिस्टेंस. ठीक है, तो यहां पर जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है ग्राफ का, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी फिफ्थ,
वी इक्वल्स टू फोर आई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, वी इक्वल्स टू फोर आई स्क्वायर। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप यानी टेन थीटा यानी डीवी बाय डीआई, है ना बच्चों, डीवी बाय डीआई है ना, वोल्टेज अपॉन करंट क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो तो वो भी आपको क्या देता है, स्लोप कर देता है। तो यहां जो ये फंक्शन है उसको आप आई के साथ क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। चलो करते हैं भाई, तो डीवी बाय डी आई इज इक्वल टू फोर टाइम्स टू आई, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो डीवी बाय डी आई इक्वल टू, यही चीज क्या कहलाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, देखो एट आई, आपको क्या बोल रहा है, आई कितने पर निकालना है, वन एम्पियर पर, आई इक्वल टू क्या लेना है, वन एम्पियर। तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एट इंटू वन, एट ओम रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो अभी अभी आपने किया है ना, आपको नहीं थोड़ा डिफरेंट है, आपको यहां पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ग्राफ दिया हुआ है आपके पास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज आर नॉट और इसका स्लोप बोला एम है, इसका स्लोप क्या बोला एम है। आपको टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखो बच्चों, है ना, इसका ये वाला जो, ठीक है, ये बोल लेता हूं मैं, इसको बोलता हूं सपोज आर नॉट है ये, तो इसको क्या बोल लेता हूं मैं, सपोज आर बोल लू, तो ये वाला चीज कितना आएगा बच्चों, R माइनस आर नॉट, ठीक है, R माइनस आर नॉट आ जाएगा, आ जाएगा। और इसको क्या ले लेता हूं मैं, डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर, ओके, चेंज इन टेम्परेचर, ये चीज मिल गया। तो बच्चों ये थीटा ले लेता हूं, ओके, तो अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा R माइनस आर नॉट, ठीक है, R माइनस आर नॉट अपॉन डेल टी, ये चीज मिल जाएगा हमको, आर माइनस आर नॉट अपॉन डेल टी, ठीक है, टेन थीटा, इसी को अपन स्लोप बोलते हैं, दिस इज स्लोप, ठीक है, और ये स्लोप कितना है एम, इक्वल टू क्या हो गया एम, देयरफॉर आर माइनस आर नॉट अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एम, इक्वेशन नंबर वन, ये आ गया हमारा पहला, ठीक है। अब आगे क्या करना है बच्चों, अपने को अल्फा निकालना है, तो सबसे पहले देखो अल्फा का क्या डेफिनेशन था, क्योंकि R बराबर R नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल टी, है ना, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। तो इसको अगर आप करोगे तो R बाय क्या हो जाएगा बच्चों, R नॉट, वन इधर आकर के माइनस हो जाएगा, अल्फा डेल टी, तो R माइनस R नॉट बाय R नॉट, है ना, और अल्फा डेल टी भी नीचे ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा अल्फा। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज R माइनस R नॉट बाय R नॉट डेल टी, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें से ये वाला पार्ट है ना यहाँ निकल चुका है, निकल चुका है ना, R माइनस R नॉट बाय डेल्टी पार्ट वहां पर निकल चुका है, जो किसके इक्विवेलेंट है M के, तो इसके बदले M पुट कर देंगे बच्चों, M बाय R नॉट अल्फा इज इक्वल टू M बाय R नॉट, ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, M बाय R नॉट। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर एट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, सी क्वेश्चन नंबर एट, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 100 ओम एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ इट्स टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस बी 0.05 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है चलो। तो R एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 100 ओम है, 100 ओम है ना, कितने पर, T बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको T1 बोल लेता हूं, ठीक है बच्चों।
फिर बोलते हैं कि इफ इट्स टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस भी अल्फा दिया हुआ है आपको 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 200 ओम। अब किसी टेम्परेचर पर 200 ओम हो जाता है, ठीक है, वो टेम्परेचर अपने को चाहिए। तो ये वाला टेम्परेचर सपोज T2, ये अपने को निकालना है, ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, हमारे पास क्या फॉर्मूला है यूज करने के लिए यहां पे, तो हमने पढ़ा हुआ है कि R एट T इज इक्वल टू क्या होता है, R नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल T, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब बच्चों क्या होता है कि ये वाला जो R नॉट है वो क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर है। रेफरेंस टेम्परेचर याद करो मैंने क्या बोला था, या तो अपन 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, है ना, ये दो रेफरेंस लिया करते हैं अपन, है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां पर जो आपको पहला वाला दिया हुआ है वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये हमारा रेफरेंस टेम्परेचर पर नहीं है, है ना। रेफरेंस टेम्परेचर है क्या, ये आर नॉट है क्या हमारा, हमारे लिए ये आर नॉट नहीं है, ठीक है। तो चलो अगर ये आर नॉट नहीं है तो मान लो कि आर नॉट है ना, हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लिया। लेट रेफरेंस टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। तो R 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, है ना, T1 यानी 100, 100 माइनस 0 तो 100 ही रहेगा। तो ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरा R 200 सॉरी R एट एनी टेम्परेचर T इक्वल टू क्या हो जाएगा, R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, इस बार क्या हो जाएगा बच्चों, T माइनस 0 यानी T, ठीक है। ये दो इक्वेशन मिले अपने को, क्लियर है, ये दो इक्वेशन मिले। RT आपको तो गिवन ही है, कितना, 200 ओम, और ये R100 क्या दिया हुआ है, 100 ओम, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन अपने को मिल गए। ओके बच्चों, नाउ सी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा T, 1 प्लस अल्फा T ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस अल्फा T इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस 100 अल्फा, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा T इज इक्वल टू 2 प्लस 200 अल्फा, ठीक है, 200 अल्फा। तो ये 1 उधर जाएगा, तो अल्फा T इक्वल टू 1 प्लस 200 अल्फा, तो देयरफॉर T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 200 अल्फा बाय अल्फा, ठीक है, 1 प्लस 200 अल्फा बाय अल्फा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस 200 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.005 बाय 0.005 ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये दो जीरो इस पॉइंट को यहां ले आएगा और 0.5 × 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 0.005, इसको हटाओगे बच्चों 1000 हो जाएगा, तो 5 से 200 हो जाएगा और ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द आंसर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, कौन सा आ रहा है देखो, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए में ए है आपका 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपका जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी बिल्कुल सेम है ना, 9 में देखो आपका, चूंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक दिया हुआ है तो वो आपका आर नॉट हो गया है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड रेफरेंस टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर आर नॉट दिया हुआ है, आरटी दिया हुआ है, टी फाइंड अल्फा फाइंड करना है, आसान है, कर लोगे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर है, आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, तो 300 केल्विन रेफरेंस हुआ क्या, यस हुआ, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलोगे तो आता है कितना, 273 प्लस 2293, तो ऑलमोस्ट ये रेफरेंस ही है, ठीक है। तो ये नॉर्मली सीधा RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 11 भी आप आसानी से कर सकते हो एरर का कंसेप्ट लगा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, इस टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एसी सप्लाई लाइन, द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन विच इन ईच केस रिस्पेक्टिवली विल बी, ठीक है। तो बच्चों दोनों का रेटेड वोल्टेज कितना है 220, और उसको सप्लाई भी क्या किया गया है रेटेड वोल्टेज। तो याद करो ये वाला केस कौन सा है, जब रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज बराबर हो जाता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का सीरीज वाला कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा आपका, है ना, सीरीज में कनेक्ट करोगे फर्स्ट इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट किया है तो 100 100, सीरीज में यानी पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 50, ठीक है। और उसको जब पैरेलल में करोगे तो सीरीज का केस लगेगा यानी एड अप हो जाएगा, तो 100 प्लस 100 क्या हो गया 200, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी 50 वॉट 200, ठीक है, ये आसान है, ठीक है। 13 वाला भी आप आसानी से कर सकते हो, 14 भी सेम है, 15 नंबर है ना, 15 एन इलेक्ट्रिकल केबल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम डिलीवर्स 10 किलोवाट एट 200 वोल्ट डीसी टू अ फैक्ट्री, ठीक है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ये वाला देख लेते हैं। 15 मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों क्लास 11th में भी, कभी भी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल केबल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ आर कितना दिया हुआ है 0.2 ओम दिया हुआ है, डिलीवर्स 10 किलोवाट पावर एट 200 वोल्ट डीसी, वोल्टेज कितना है बच्चों 200 वोल्ट, ओके, एंड पावर कितना डिलीवर कर रहा है 10 किलोवाट, ये क्या हो गया बच्चों आउटपुट पावर, ये आपके फैक्ट्री को बिल रहा है, ये आउटपुट पावर हो गया। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, एफिशिएंसी क्या है, तो सबसे पहले ये देखो बच्चों ट्रांसमिशन में लॉसेस कौन सी होती है ना, कौन सी लॉसेस होती है ट्रांसमिशन में, तो I square R लॉस होता है, तो लॉस कितना हो जाएगा I square R, अच्छा I कितना हो जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों V इंटू आई होता है ना, V इंटू आई, तो यहां से I इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, I आ जाएगा आपका 10 × 10³ बाय V है आपके पास 200, तो एक कैंसिल हो गया, ये 2 रह गया, तो आई थिंक क्या हो गया भाई 10 किलोवाट यानी 10 × 4 लिख सकता हूं, ठीक है, अपॉन वोल्टेज कितना है 200, ठीक है, तो 2 0 कैंसिल हो गया बच्चों, तो 100 बचा यानी 50, ठीक है, कितना बचा 50, तो यहां से देखो 50 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 0.2, तो कितना हो जाएगा 2500 × 0.2, ये गया कितना हो गया बच्चों 500 पावर लॉस, इतना पावर लॉस हो गया 500 वॉट, ठीक है, कितना हो गया 500 वॉट। अगर मैं इसको किलोवाट में बदलू तो बच्चा क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 0.5 किलोवाट, ध्यान से समझना है ना 0.5 किलोवाट। तो मेरा जो लाइन था वो लाइन की इस तरफ सप्लाई है और इधर क्या है फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री को जो मिला वो क्या है आउटपुट, इधर से जो दिए वो क्या था इनपुट, और इस बीच में क्या हुआ लॉसेस, इस बीच में क्या हुआ लॉसेस, समझ गए क्या। तो बच्चों
हमको इतना मिले, इतना हमको मिले उसके लिए क्या जरूरी है कि जो लॉसेस है वो पहले से मिला हुआ हो। आ रही बात समझ में? लॉसेस जो है वो पहले से मिला हुआ हो, है ना। तब तो यहां पर मान लो कि एक शहर से कोई व्यक्ति आ रहा है और उसे मुझे यहां आकर के 1000 रुपए देने हैं, तो उसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा वो उसको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, तभी वो मेरे को 1000 रुपए दे पाएगा, है ना। तो उसको मान लो वहां से यहां तक आने का भाड़ा जो है वो कितना है, 100 रुपीज है, तो उसको वहां से लेकर के कितना चलना पड़ेगा, 1100, ताकि वो 100 रुपीज खर्च कर दे, उसके बाद भी उसके पास 1000 रुपीज बचे। ठीक है बच्चों, तो इसको आउटपुट यहां पर इसको फैक्ट्री को कितना चाहिए, 10 किलोवाट चाहिए। ठीक है, तो इसको 10 किलोवाट चाहिए, तो जो खर्च होगा बीच में वो पहले से लेकर के आना पड़ेगा, तो इनपुट में क्या होना पड़ेगा, इनपुट में इस 10 के अलावा ये 0.5 अलग से होना पड़ेगा, 10.5, तभी जा करके यहां से ये 0.5 लॉस होने के बाद भी इसको क्या मिलेगा, 10 किलोवाट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा आउटपुट, ये हो गया इनपुट। तो चूंकि मैंने आपको बताया है एफिशिएंसी कभी भी निकालना हो आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, तो आउटपुट इज 10, इनपुट इज 10.5 इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 100। इसको सॉल्व करो, 5 से 21 बार में होगा बच्चों और ये 20 बार में, ठीक है, 21 और 20, तो ये कितना हो जा रहा है आपका, देखो 2000 बाय 21, आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आ जाएगा आपको 95%, क्या आ जाएगा 95%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहां गया, ऑप्शन नंबर डी, सेवेंथ का सॉरी 15th का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 3 resistances 2 ohm 3 ohm 4 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है भाई, 3 resistors को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 17, टू ओम 3 ohm एंड 4 ohm, द रेशियो ऑफ करेंट पासिंग थ्रू देम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स विल बी। ठीक है, आपको इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3, है ना, ये निकालना है रेशियो इनका, I1:2, I2:2, I3। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो सबके क्रॉस वोल्टेज क्या मान लेंगे, V। तो I1 क्या हो जाएगा बच्चों, V/R1 यानी V/2, इसके क्रॉस I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V/3, और I3 क्या हो जाएगा, V/4, तो V/2:2, V/3:2, V/4, ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों 1/2:1/3:1/4, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/2, 12/3, 12/4, 2 से 6, 3 से 4, 4 से 3, तो क्या आ गया बच्चों 6:4:3, I1:2, I2:2, I3, ओके I1:2, I2:2, I3। नेक्स्ट वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि एक सर्किट बनाया हुआ है आपके पास, ठीक है, इसको नाम दिया है ए और इस पॉइंट को नाम दिया है बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको मान लो मैं सी बोला, इसको मान लो डी बोला, इधर कितना एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर, और इधर कितना, 2 एम्पियर। बच्चों इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इधर का रेजिस्टेंस 3 ओम और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम,
आगे बात समझ में आपको, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ओके, दिस वी हैव टू फाइंड। तो बच्चों देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है कि जब ये दो एम्पियर यहां पहुंचेगा तो इसके पास दो रास्ते मिलेंगे, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, है ना, दो पाथ मिलेंगे। अब इस पाथ का टोटल रेजिस्टेंस देखा जाए तो 3 + 2 = 5, इस पाथ का टोटल रेजिस्टेंस देखा जाए तो 3 + 2 = 5। तो दोनों में क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस इक्वल है, तो करंट भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो 1 एम्पियर करंट इधर भी जाएगा और 1 एम्पियर करंट इधर भी जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां से यहां जा रहा है कितना करंट, करंट बच्चों 1 एम्पियर, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है, तभी करंट इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां है ना आपको निकल जाएगा VA माइनस, सॉरी VC माइनस VA बाय रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 2, बराबर क्या हो जाएगा 1। आ रही बात समझ में, VC माइनस VA बराबर क्या आ जाएगा 1, क्लियर। तो देयरफोर VC माइनस VA इक्वल्स टू क्या हो गया 2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस तरफ करो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया VC माइनस VB बाय रेजिस्टेंस कितना है 3, इक्वल्स टू करंट कितना इसमें फ्लो हो रहा है 1। तो VC माइनस VB इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए बच्चों, VA माइनस VB चाहिए, है ना, तो दिस माइनस दिस कर लो, ठीक है, क्या कर लो, दिस माइनस दिस कर लो, क्या हो जाएगा, VA माइनस VB चाहिए ना, हाँ VA माइनस VB चाहिए। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं, VC माइनस VB माइनस VC प्लस VA हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 3 माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, VA माइनस VB इक्वल 3 माइनस 2 क्या होता है बच्चों 1, आ गया VA माइनस VB, है ना, VA माइनस VB कितना आया 1 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 इजी है बच्चों, आपको क्या करना है, करंट डिवीजन लगा लेना है, करंट डिवाइड कर लेना है, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 19 में किया, उसी तरीके से आपको कंपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 भी आसान है बच्चों, करंट को डिवाइड करना है बस, करंट डिवीजन कर लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 23 टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस बच्चों, टॉलरेंस जो है एक का 10% है, दूसरे का 10% है, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो भी 10% ही टॉलरेट करेगा, टॉलरेंस क्या होगा उसका 10% ही होगा, क्लियर है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 भी आसान है, बस आप ये कर लेना बच्चों कि एस पॉइंट जो है वो उसके मिड पॉइंट मिड में है, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, 6 ओम के दो पार्ट हो जाएंगे, 3 ओम इस तरफ आ जाएगा, 3 ओम इस तरफ आ जाएगा, तो वो 5 और 3 सीरीज में आ जाएगा, इधर 5 और 3 सीरीज में आ जाएगा, तो 8 और 8 है ना पैरेलल में हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपका 4 ओम, ओरली सॉल्व हो जाएगा आपका। 25 भी आसान है ना, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 26, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। सी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड बाय 1 माइक्रोफेराड एज शोन इन द फिगर 26। आपको सर्किट बनाया हुआ है, 2 वोल्ट 0.5 ओम 1 माइक्रोफेराड 4 ओम एंड 1 ओम, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको बोलता है कि चार्ज कितना स्टोर होगा कैपेसिटर में, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सी, मैंने आपको क्या बोला था कि इन स्टेडी स्टेट जो ये होता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, बताया था मैंने आपको। तो इन स्टेडी स्टेट
कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह हो जाते हैं, तो ये वाले ब्रांच को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, दिस ब्रांच विल गेट रिमूव्ड। तो बचा क्या, देखो बच्चों 2 वोल्ट 0.5 ओम एंड इस तरफ 1 ओम, ऐसा हो गया सर्किट हमारा। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों, तो I बराबर वी 2 हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 0.5 हो गया 20 बाय, तो 5 से 4 और 3, तो 4/3 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। समझ गए बच्चों, 4/3 करंट ड्रॉ हो रहा है। अब अगर मैं इस सेल के क्रॉस आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालने बोलूं, इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो चूंकि V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस I इंटू R होता है, तो V बराबर E कितना है बच्चों, 2 माइनस I कितना हो गया है अपने पास 4/3, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.5 यानी 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 2/3, 3 × 2 = 6 माइनस 2, 4/3 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 4/3 वोल्ट। समझ गए बच्चों। अब देखो ध्यान से, इस ब्रांच में इसमें तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि इसमें करंट क्या है, जीरो, आई यहां क्या है, जीरो है, तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो ये जो पूरा वोल्टेज है वो कहां आएगा, इस कैपेसिटर को मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो गया, वी अक्रॉस सी कितना हो गया, 4/3 वोल्ट। अब चूंकि बच्चों क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी होता है, तो C आपके पास है 1 और V कितना है 4/3, तो हो गया आपके पास बच्चों 4/3 यानी 1.33 माइक्रो कूलम। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 1.33 माइक्रो कूलम, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, एक सर्किट दिया हुआ है आपके पास, इधर है आपके पास बच्चों 4 ओम 3 ओम, ठीक है, और फिर आपके पास इस तरफ है 0.5 ओम, और उसके पैरेलल में एक और 0.5 ओम, और फिर इधर है आपके पास 1 ओम, ये पॉइंट N है बच्चों और ये पॉइंट M है, और इधर बोला ये पॉइंट P है। आपको बोल रहा है कि 4 ओम रेजिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N, V बिटवीन M N निकालना है, यानी Vm माइनस Vn निकालना है। ठीक है बच्चों, Vm माइनस Vn फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अब बच्चों ये चीज हमें समझ में आ रही है क्या, यहां पर 1 एम्पियर करंट है और रेजिस्टेंस 4 है, तो V इक्वल्स टू IR यूज करके यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप पता कर लेंगे, 4 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 वोल्ट। ठीक है, ये और ये पैरेलल है, तो इसके क्रॉस भी क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। इस पूरे ब्रांच में क्या हो गया, 4 वोल्ट। बच्चों ये पूरा ब्रांच और ये नीचे वाला पूरा ब्रांच दोनों क्या है, पैरेलल है, तो जितना यहां का वोल्टेज उतना ही यहां का वोल्टेज, तो इधर भी क्या आएगा बच्चों, 4 वोल्ट, है ना, इस पूरे ब्रांच में। आ रही बात समझ में। अब इस पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, देखो तो इस पॉइंट और 0.5 और 0.5 क्या है पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 0.25, इन दोनों का हो जाएगा 0.25, है ना, और पैरेलल में सीरीज में क्या है 1 ओम, है ना, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया, इसके क्रॉस वोल्टेज आया 4 वोल्ट, ऐसा हो गया, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 1.25 ओम, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, तो क्या इसमें करंट पता चल जाएगा बच्चों, तो देयरफॉर करंट इन दिस ब्रांच क्या हो जाएगा, V/R यानी 4/1.25, सो ये आ जाएगा बच्चों 100, 25 × 4, 25 × 5, 4 × 16/5, ठीक है, 16/5 करंट इस ब्रांच में बह रहा है, 16/5 एम्पियर। तो बताओ क्या इसके बीच में ड्रॉप नहीं पता चल जाएगा, है ना,
वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू आर, है ना। इससे इसके बीच में आई इंटू आर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 बाय 5 इंटू आर कितना है 1, तो वी एम एन हो गया इतना, तो 16 बाय 5 पांच किया 15, तीन दोनों सॉरी पांच दूनी 10, 3.2 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन क्या हो गया, 3.2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 आसान है ना, ये R2 R5 सीरीज हो जाएगा, R3 R4 सीरीज हो जाएगा और दोनों आपस में पैरेलल। ठीक है, तो R प्लस R 2R और इधर 2R, दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा R, तो इधर R इधर R इधर R, 3R हो जाएगा, V बाय 3R करोगे करंट निकल जाएगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 सर्किट बनाया हुआ है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से एक सर्किट बनी हुई है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी और ये डी है। हर एक रेजिस्टेंस कितना है 15, आर बराबर क्या है 15 ओम, आर बराबर क्या है 15 ओम। क्या चाहिए अपने को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर ए बी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे इसको आप समझिए, ए से बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस चाहिए बच्चों। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको आपको कोई दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोले तो आप एक करंट फ्लो करा लो, है ना बच्चों। तो करंट क्या होगा, इस तरीके से फ्लो करेगा, आ रही बात समझ में, ओके। फिर मैंने आपको सिखाया था कि मेथड ऑफ सिमेट्री दो प्रकार का, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बात समझ में आ रही। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब बच्चों, जब मैंने क्या बोला था करंट के डायरेक्शन में एक्सिस लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके डायरेक्शन में एक्सिस लेता हूं तो क्या इसके ऊपर और नीचे सेम है, नहीं है, तो यहां पर पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर हमने क्या सिखाया था बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो चलो अगर हम एक ऐसा है ना ये खींच लेते हैं, ओके बच्चों, एक ऐसा एक्सिस खींच लेते तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। अब इसके दोनों तरफ देखो चीजें सेम है क्या, यस ऑब्वियसली सेम है। इस रेजिस्टर का आधा पार्ट इस तरफ है, आधा पार्ट इस तरफ है, ये देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसका आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, और ये ऐसा और ये ऐसा, तो आपको क्या दिख रहा है, सारी चीजें है ना एकदम बिल्कुल मिरर इमेज दिख रहा है ना, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, तो यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आ रही बात समझ में, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर है। तो इससे क्या होता है, मान लो बच्चों इसमें गया क्या आई वन करेंट, तो इधर भी क्या जाएगा आई वन, इधर गया मान लो आई टू, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो जो इधर होगा वही इधर होगा, वही रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस वही करंट वही करंट, तो इसमें भी क्या होगा बच्चों वही करंट होगा। ठीक है, इधर मान लो गया आई थ्री, ठीक है इधर आई थ्री गया तो इधर भी क्या आएगा बच्चों आई थ्री आएगा, क्लियर है। और मान लो इधर गया क्या बच्चों आई फोर, तो इसके इस तरफ ये है इसके इस तरफ ये है, तो जो इसमें वही रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस वही करंट वही करंट, तो इसमें क्या जाएगा बच्चों आई फोर। सिमिलरली इधर आई फाइव, तो इधर भी क्या जाएगा बच्चों आई फाइव। तो अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करो एक चीज, इस पॉइंट पर आई फोर इधर से आकर के इधर निकल गया, आई टू इधर से आकर के इधर निकल गया, मतलब इधर का करंट इधर में मिक्स नहीं हुआ, इधर का करंट इधर मिक्स नहीं हुआ, मतलब ये वाला जो सर्किट है ना वो इस पॉइंट से डिटैच है, कनेक्शन में दिख रहा है कि वो अटैच्ड है बट करंट वाइज वो क्या है डिटैच्ड है ना, इसका करंट इसमें एंटर नहीं कर रहा है, इसका करंट इसमें एंटर नहीं कर रहा है, तो आप इस पॉइंट को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को सेपरेट कर लो, तो आपका ये जो सर्किट है वो बदल जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से आपका ये सर्किट बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आर 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 और आर ए और डी, क्लियर है बच्चों। तो अब देखो ये दोनों आर किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, तो ये हो जाएगा बच्चों 2R। ठीक है, तो ये सर्किट और बदल जाएगा आपका, ये R और इसके पैरेलल में आ जाएगा बच्चों 2R। ठीक है, फिर ये R है, R इधर भी एक R है, और ये वाला जो है ये भी देखो क्या हो जाएगा, इधर R और इसके पैरेलल में आ जाएगा क्या 2R, A और B, है ना, आपका सर्किट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में है, तो इनको भी सॉल्व कर लो बच्चों। तो यहां से इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूं, बताओ बच्चों 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2R into R by 3R, तो 2R by 3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2R by 3। फिर इधर आया R, इधर आया R, और इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों 2R by 3। ठीक है, 2R by 3, ये A और ये B। अब ये R, ये R, 2R by 3 और ये R क्या दिख रहे हैं, सीरीज में, तो इन सबको क्या कर लो बच्चों, ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, R प्लस R 2R हो गया, और 2R प्लस 2R by 3, 2R प्लस 2R by 3, 3 to the 6 to 8R by 3, ठीक है, 8R by 3, तो इन पूरे के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, 8R by 3, 8R by 3, और इधर क्या है 2R by 3, A और B। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल में हो जाएंगे, है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा बच्चों 8R by 3 into 2R by 3 upon 8R by 3 plus 2R by 3 कितना हो जाएगा 10R by 3, तो R by 3, R by 3 gets cancel, तो 8 to the 16 by 8 to the 16 by 30, है ना R, और R की वैल्यू कितनी है बच्चों 15, तो 15 टू जा 30, 2 से 8, तो R है कितना बच्चों 8 ओम। व्हाट इज द इक्विवेलेंट, कहां गया भाई, 8 ओम, है ना, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 8 ओम, अच्छे से समझ में आया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, कहां गया हां, ठीक है बच्चों, इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपका जो सर्किट है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऐसा हो गया आपका सर्किट, ये पॉइंट बोला ए है, ये पॉइंट बोला बी है, ऐसा, क्लियर। तो चलो इसको हमको क्या निकालना है, आर बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी फाइंड करना है। तो बच्चों आप यहां देखो, ये वाला पॉइंट ए है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बी है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा बी। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं सपोज सी, और ये यहां से यहां तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा सी। तो मेरे को कितने नोड मिले बच्चों, ऑब्वियसली 3 नोड्स ही मिले, ठीक है, तो ये तीनों नोड्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं, किनके किनके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में, इसको आउटर में रखो, और सी को मान लो बीच में ले लिया। तो देखो ये वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ है बच्चों, ए और सी के बीच में, जोड़ लो ए और सी के बीच में, ये वाला काम हो गया बच्चों। ये किसके बीच में जुड़ा है, ये भी ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में इसका हो गया। ये वाला किसके बीच में, ये भी ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में, ऐसा हो गया बच्चों आर आर आर। अब देखो ये किसके बीच में, सी और बी, तो सी और बी इसका हो गया, ये भी सी और बी, सी और बी इसका, ये भी सी और बी, सी और बी हो गया आर आर आर। ये तीनों पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, आर बाय थ्री,
ये तीनों पैरेलल क्या हो जाएगा, आर बाय थ्री ए बी। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं बच्चों, सीरीज में, एडअप हो जाएगा टू आर बाय थ्री, टू आर बाय थ्री। क्लियर है, ये हो गया आपका आर बिटवीन ए एंड डी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, टू आर बाय थ्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलते हैं, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, अ वेरिएबल रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ए करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो भाई एक बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ईएमएफ कितना है ई, इसके दोनों टर्मिनल से क्या करा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 तो बोलता है कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है आई, दिस इज बैटरी, तो यहां से आई करंट निकल रहा है। वी इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वी हो गया। आर एलोन इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, और आर जो है वो कैसा रजिस्टर है बच्चों, वेरिएबल रजिस्टर है, यानी रियोस्टेट है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, चेंज होता है, अंडरस्टूड। और बोलते हैं इसको हम क्या करते हैं, घटाते घटाते इसको जीरो कर लेंगे। Which of the following best describes I and V? I क्या होगा और V क्या होगा, ठीक है, क्या असर पड़ेगा तो समझो। तो सबसे पहले I का रिलेशन बताओ बच्चों, I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा E upon R plus R। ठीक है बच्चों, I बराबर क्या हो जाएगा, E upon R plus R। तो अगर आप क्या करते हो, R को रिड्यूस कर दोगे जीरो, ठीक है, R को रिड्यूस कर दोगे जीरो, तो R जब घटता जाएगा बच्चों तो ये वाला पोर्शन क्या होता जाएगा, आर घटता जाएगा तो ये वाला पोर्शन घटता जाएगा, ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो आई क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, है ना, आई क्या होगा, इंक्रीज होगा, आई बात समझ में। तो आई ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और फाइनली कितना हो जाएगा, ई बाय, है ना, आर जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, ई बाय आर, है ना, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, ई बाय आर तक, अंडरस्टूड। फिर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है आपका E माइनस आई इंटू आर, पड़ा हुआ है हमारा, तो E माइनस आई, आई देखो कितना है, E अपॉन R प्लस R इंटू आर, ऐसा हो गया, आ रही बात समझ में, E माइनस, तो E को कॉमन ले लेता हूं मैं, वन माइनस R अपॉन R प्लस R। ठीक है बच्चों, तो जब ये घटता चला जाएगा, है ना, घटते चले जाएगा, तो घटते घटते एक समय ये R क्या हो जाएगा, जीरो, R जीरो हो जाएगा, तो बच्चों R अपॉन R क्या हो जाएगा, वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, घटते घटते फाइनली जीरो हो जा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज घट करके जीरो हो जा रहा है और करंट जो है वो बढ़ करके E बाय R हो जा रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारा, कहां गया क्वेश्चन नंबर 31। I approaches E by R, है ना, and V approaches zero, ठीक है, कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर B, 15 का B। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई प्रोड्यूसेस करंट आई वन एंड आई टू, आर वन और आर टू जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेते हैं। तो एक बैटरी ले लिया बच्चों, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज आर मान लिया, ईएमएफ कितना है ई है, बोलते हैं पहले उसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर वन से जोड़ा, ठीक है बच्चों, तो इस समय कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई वन। फिर बोलता है कि जब मैंने इस बैटरी को आर टू से कनेक्ट किया, आर टू से, तो इसमें कितना करंट बह रहा है, आई टू, तो क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो बच्चों, तो हमको पता है ई बराबर, सॉरी, हमको पता है, क्या पता है बच्चों, इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, अच्छा करंट कितना हो जाएगा बच्चों, आई वन इक्वल्स टू ई अपॉन आर वन प्लस आर हो जाएगा, आई वन इक्वल्स टू ई अपॉन आर वन प्लस आर, ऐसा हो जाएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है।
फिर यहां से देखोगे तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन R2 प्लस R, ओके ऐसा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया। अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो I1 by I2 equals to, है ना बच्चों, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो E और E कैंसिल हो जाएगा, R2 प्लस R by R1 प्लस R, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? अब बस कुछ नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो I1 R1 प्लस I1 R इक्वल्स टू I2 R2 प्लस I2 इंटू R, ठीक है। अब देखो स्मॉल R चाहिए तो एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर चला जाएगा स्मॉल R, कॉमन हो जाएगा I1 माइनस I2, और इधर क्या हो जाएगा I2 R2 माइनस I1 R1, ठीक है। देयरफोर स्मॉल r इक्वल्स टू I2 R2 माइनस I1 R1 बाय I1 माइनस I2। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो किससे मैच कर रहा है, आप चाहो तो इसको पलट सकते हो, माइनस निकाल लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2, यहां से भी माइनस निकाल लेंगे तो I2 माइनस I1 ये हो जाएगा, फिर आपका ये मैच हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी से, I1 R1 माइनस I2 R2 बाय I2 माइनस I1, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33, सिंपल आप वोल्टेज इक्वेशन निकाल लगाओगे आ जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, एक सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली विथ एंड विदाउट बीइंग शॉर्ट सर्किटेड थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। बताओ पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, आर बराबर है ना एल वन बाय एल टू माइनस वन इंटू आर, ठीक है, जो कैपिटल आर लगाए थे है ना नीचे में बैटरी के साथ सेल के साथ जिसको मेजर करना होता है उसको एक बार क्या करते थे, स्विच ऑन करते थे और एक बार स्विच ऑफ में निकालते थे। जब स्विच ऑन रखते थे तो उस समय क्या देता था, टर्मिनल वोल्टेज, और जब स्विच ऑफ रखते थे तो क्या देता था, ईएमएफ, है ना, उससे हमें एल वन और एल टू मिलता था, याद है। तो बच्चों स्विच ऑफ के साथ जो मिलेगा ईएमएफ मिलेगा और वो एल वन होगा, ठीक है, और स्विच ऑन के साथ जो मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा और वो L2 होगा। ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन होता है पहचानने में L1 और L2, तो ध्यान रखिए बच्चों क्या, जो बड़ा वाला लेंथ होगा वो हमेशा L1 होगा और जो छोटा वाला लेंथ होगा वो हमेशा L2 होगा। तो सिंपली देखो 110 वाला क्या हो जाएगा बच्चों, L1 हो जाएगा तो 110, और 100 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा माइनस वन इंटू कैपिटल R, कितना है 10 है तो इंटू 10, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1.1 माइनस 1 इंटू 10 0.1 इंटू 10 दैट इज 1 ओम स्मॉल आर फाइंड आउट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप शॉर्ट ट्रिक के तौर पर यूज कर सकते हो कि बड़ा वाला लेंथ L1 होगा और छोटा वाला लेंथ L2 होगा। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, टू द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल एंड 10 ओम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 35। तो मैं पोटेंशियोमीटर बना लेता हूं बच्चों फटाफट, ए बी है ना, इसका बोलता है कि लेंथ कितना है एल है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम इस पोटेंशियोमीटर वायर का। ये बैटरी ऑफ 2.5 वोल्ट, इसके में हमने 2.5 वोल्ट की बैटरी और एक रेजिस्टर आर जोड़ा इन सीरीज। बोलता है कि इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज बैलेंस्ड अक्रॉस एल बाई टू, अब इधर जो आपका ठीक है ऐसा होता था, इसके अक्रॉस हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट,
1 वोल्ट बैलेंस किया जाता है कितने पर, एल बाई टू पर। बैलेंसिंग लेंथ क्या है, एल बाई टू। द वैल्यू ऑफ आर इन ओम, इसकी वैल्यू क्या होगी पता करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी पता करना है। चलो तो बच्चों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने का। पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए क्या बोला था बच्चों, इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज अपॉन इसका टोटल लेंथ। तो कैसे निकलेगा इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो पहले ये पता करो कि इसमें कितना करंट जा रहा है। तो इसका वोल्ट इस सर्किट को देखो बच्चों, इस सर्किट में वोल्टेज इतना है, रेजिस्टेंस 10 ओम और ये आर, इतना हो गया। तो कितना करंट पास होगा बच्चों, आई बराबर वी 2.5 अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो गया 10 प्लस आर, ठीक है। तो इतना करंट क्या होगा इस सर्किट में जाएगा। तो इस वोल्ट इस वायर के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, तो वी ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, आई इंटू आर होता है, तो आई इज दिस मच 2.5 बाय 10 प्लस आर इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो इंटू 10, ठीक है। इतना यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया बच्चों, आ रही बात समझ में। अच्छा ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो वोल्टेज इतना आ गया 2.5 इंटू ये 25 हो जाएगा, 25 अपॉन 10 प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों एन, ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। अब देखो यहां पर जो रीडिंग है कितना 1 वोल्ट आपको पता है, सिंस v इक्वल्स टू क्या होता है k इंटू एल होता है ना, v इक्वल्स पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है उससे v बराबर k इंटू एल कितना वोल्ट है 1 और k कितना है 25 अपॉन 10 प्लस आर इंटू एल और बैलेंसिंग लेंथ कितना है l बाई टू, एल एल कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया आपका 20 प्लस 2R इक्वल्स टू 25, तो 2R इक्वल्स टू 5, तो R therefore R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 ओम, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई क्या 2.5 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 5 मीटर, ठीक है। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 5 मीटर है, एल इक्वल्स टू 5 मीटर, और बोला जा रहा है बच्चों कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 4.8 × 10⁻⁹, ठीक है। द ईएमएफ ऑफ बैटरी यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर, इसके अक्रॉस हमने जो बैटरी यूज की है उसका ईएमएफ कितना होगा या वी कितना होगा, ठीक है, ये चीज अपने को फाइंड आउट करना है। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू इंटू ई, तो चार्ज कितना है बच्चों ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, होता है कि नहीं बच्चों, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू वी बाय एल, ओके। तो एफ कितना है 4.8 × 10⁻¹, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻¹ इंटू वोल्टेज अपने को निकालना है और लेंथ कितना है 5 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये 16 से 3 हो गया और 19 और 19 कैंसिल हो गया, भी बराबर क्या आया बच्चों 15 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा 15 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 ये भी सेम है बच्चों, है ना, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 34 किया। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ओके, क्या बोला जा रहा है कि आपको इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज शोन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया के वोल्ट पर सेंटीमीटर। बोलते हैं कि
एमिटर प्रेजेंट इन द सर्किट, यहां नीचे आपको एमिटर दिख रहा है, वहां पर कितना करंट रीड कर रहा है, 1 एम्पियर, व्हेन टू वे की इज स्विच्ड ऑफ। कहां है टू वे की, ये जो 1, 2, 3 लिखा हुआ है ना, वो है टू वे स्विच। चलो मैं ड्रॉ ही कर लेता हूं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके का है आपका। तो बच्चों ये वाला जो है ना 1, 2, 3, ये टू वे स्विच कहलाता है। क्यों टू वे स्विच कहलाता है, क्योंकि अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा तो एक हो जाएगा, और या मैं चाहूं तो इससे कनेक्ट कर सकता हूं, दोनों से कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, एक टाइम पर एक से कभी स्विच, इनको स्विच ऑन करना है तो इसको उठा के यहां ला दूंगा, कभी इसको स्विच ऑन करना है तो इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दूंगा, तो इसको टू वे की बोलते हैं। समझ गए क्या? तो पहले बोलते हैं कि ये टू वे की क्या है, स्विच ऑफ है ना, इनिशियली ये स्विच ऑफ है। तो अभी मतलब ना तो 1, 2 से जुड़ा है ना तो 3 से जुड़ा हुआ है, अभी इनिशियली ना तो 2 से जुड़ा हुआ है ना तो 3 से जुड़ा हुआ है। जब ये किसी से नहीं जुड़ा है, मतलब ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट क्या है, पूरी तरीके से सेपरेट है। बोलोगे कैसे सेपरेट है सर, ये तो जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि हमको पता है बच्चों कि ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है, वायर है ना, वो करंट सिर्फ किससे लेता है, ड्राइविंग सर्किट से लेता है, मेजरिंग सर्किट से कोई करंट नहीं लेता, मतलब यहां से कोई करंट इसमें नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ में आ रहा है कि ये इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो भाई अब बचा क्या, ये वाला चीज बचा। अब ये वाली चीज में मान लो इसका वोल्टेज क्या है बच्चों, ई है, और यहां पर क्या बोल रहा है कि कितना करंट रीड कर रहा है, 1 एम्पियर। इस कंडीशन में ये 1 एम्पियर करंट रीड कर रहा है। तो सोचो बच्चों इसमें कितना, ये आर है और ये एक्स है ना, ये आर है और ये एक्स है, तो कितना करंट इसमें फ्लो करेगा अभी। तो आई बराबर ऑब्वियसली वोल्टेज ई है, और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एक्स है, और ये इक्वल टू क्या है, 1 एम्पियर। ठीक है, ये इक्वल टू क्या है, 1 एम्पियर। तो एक इक्वेशन मिल गया हमको बच्चों। ठीक, अब क्या बोलता है कि द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल्स 1 एंड 2। अब की बार इसको इससे कनेक्ट कर दिया, अब जब ये कनेक्ट कर दिया तो ये अभी भी खुला है बच्चों, है ना। अब ये तो मतलब इसके और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उस चीज को ये मेजर करेगा, और ये लेंथ अभी कितना आ रहा है, L1। ठीक है, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ वोल्टेज देगा वो किसका वोल्टेज देगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस क्या होगा, I into R। आ रही बात समझ में? तो इसके अक्रॉस वोल्टेज I into R बराबर क्या हो जाएगा, K into L1। ठीक है, और I देखो कितना है हमारे पास, E upon R plus X into R बराबर क्या हो गया, K into L1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो बाद में क्या किया, इसको 3 से जोड़ा, तो 3 से जोड़ोगे तो बच्चों ये R भी आएगा और X भी आएगा। तो अब जो वोल्टेज मेजर करेगा वो यहां से यहां तक का मेजर करेगा। ठीक है, तो अब की बार जो I into क्या हो जाएगा बच्चों, R plus X हो जाएगा, कितना ड्रॉप होगा, और ये इक्वल टू क्या होगा, K times L2 के। तो I देखो हमारे पास क्या था, E upon R plus X into R plus X equals to KL2 R plus X कैंसिल हो गया, E बराबर क्या बचा बच्चों, KL2 बचा। ठीक है, E बराबर क्या बचा, KL2। इसको मान लो मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चों, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ R एंड X, R और X फाइंड करना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, उसमें से R और X को फाइंड आउट करना है। चलो कैसे करेंगे, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं सपोज। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देखता हूं क्या होता है। ठीक है, लेट्स सब्ट्रैक्ट इट।
क्वेश्चन नंबर टू, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री करने से क्या होता है? तो हो जाएगा बच्चों E कॉमन हो जाएगा R अपॉन R प्लस एक्स माइनस वन हो जाएगा इक्वल्स टू K टाइम्स L1 माइनस L2, ऐसा हो जाएगा क्या? क्लियर है बच्चों? तो E इंटू E इंटू आर माइनस आर माइनस एक्स बाय आर प्लस एक्स रह जाएगा इक्वल्स टू के टाइम्स एल वन माइनस एल टू, ये माइनस आर और ये माइनस आर कैंसिल हो, प्लस आर कैंसिल हो गया, E इंटू माइनस एक्स बाय आर प्लस एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एल वन माइनस एल टू, ऐसा हो गया बच्चों। अब ये देखो इक्वेशन नंबर वन से है ना, इक्वेशन नंबर वन से E अपॉन आर प्लस एक्स, E अपॉन आर प्लस एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, वन, तो ये बच जाएगा बच्चों माइनस एक्स इक्वल टू के टाइम्स एल वन माइनस एल टू, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के टाइम्स एल टू माइनस एल वन। ठीक है, तो देखो आपको एक्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है बच्चों, एक्स फाइंड आउट हो गया, तो अब आप किसी इक्वेशन में रख लो और आप क्या निकाल लो, आर निकाल लो, है ना। क्लियर है बच्चों, कहां से निकालोगे? तो कहां से निकालें अपन, x हो गया और वैसे आपको देखो आगे करने की भी जरूरत नहीं है, है ना, r और x की वैल्यू चाहिए और x जो है k l2 माइनस l1 सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है ना, ओनली सेकेंड ऑप्शन में आपको k इंटू l2 माइनस l1 मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको रख सकते हो। किसमें रखने, चलो यहां पर देखो जैसे क्या है, यहां पर देखो e बाय आर प्लस एक्स क्या हो गया, वन हो गया, तो यहां से आपको डायरेक्टली क्या मिल जा रहा है, आर बराबर के एल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू से, इक्वेशन नंबर टू में e बाय आर प्लस एक्स यहां से वन पुट कर सकते हैं, तो वन इंटू आर बराबर के इंटू एल वन, तो आर बराबर क्या हो गया के इंटू एल वन, तो आर के एल वन और एक्स एक्स हो गया के इंटू एल टू माइनस एल वन, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, दिस इज योर आंसर। Now see, next we will take question number 42. ठीक है बच्चों, question number 42. वैसे तो ये example हमने पहले भी किया था, है ना, I think lecture में ये example आपका हुआ है। क्या दिया हुआ है, तीन branches दिए हुए हैं इस तरीके से, बोलता है यहाँ का 70 है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी और ये डी, यहाँ का बोलता है 0 वोल्ट है और यहाँ का बोलता है 10 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ का रेजिस्टेंस 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम। ठीक है, ये तीन वोल्टेज दिए हुए हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, वी डी है, तो चलो यहां से मान लो इधर करंट गया, इधर करंट गया और इधर करंट गया, इधर मान लो I1, इधर मान लो I2 और इधर मान लो I3, तो इस जंक्शन पर अगर आप जंक्शन रूल लगाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, I1 कितना हो जाएगा बच्चों 70 माइनस VD, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अपॉन रेजिस्टेंस 10 इक्वल्स टू, I2 कितना हो जाएगा बच्चों VD माइनस 0, VD पोटेंशियल डिफरेंस हो गया रेजिस्टेंस 20 प्लस I3 क्या हो जाएगा VD माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस 30। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करें, ये कैंसिल हो गया, तो 70 माइनस VD इज इक्वल्स टू VD बाय 2 प्लस VD बाय 3 माइनस 10 बाय 3, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इसको इधर बुलाता हूं मैं, हो जाएगा बच्चों 70 प्लस 10 प्लस 3, 70 प्लस 10 बाय 3 इज इक्वल्स टू VD प्लस VD बाय 2 प्लस VD बाय 3, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो 7 21 220 हो जाएगा, 220 बटा 3 किस
220 बटा 3 VD कॉमन ले लिया आपने 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 सिंप्लीफाइड 3 टू 6 6 3 2 है ना 6 3 9 2 11 ठीक है तो बच्चों हो गया ये VD इनटू 11 बाय 6 इक्वल्स टू 220 बाय 3 3 से 2 11 से 20 तो 20 गुना 40 तो D पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ गया 40 वोल्ट ठीक है डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ गया 40 वोल्ट सो दिस इज 40 वोल्ट अपने को देखो क्या क्या निकालने क्या क्या ऑप्शन गिवन है ना ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है कहा गया कि पॉइंट डी विल बी एट पोटेंशियल 60 वोल्ट लेकिन एक्चुअल में डी किस पर है 40 वोल्ट गलत हो गया बच्चों पॉइंट डी विल बी एट पोटेंशियल 20 वोल्ट वो भी गलत हो गया 40 है दिया हुआ करेंट्स इन द पाथ्स एडी डीबी एंड डीसी एबी डीबी डीसी तीनों में है ना करंट का रेशियो क्या होगा वो निकालना है ठीक है तो करंट का रेशियो निकालना है चलो निकाल लेते भाई तो बताओ इसमें कितना करंट जाएगा बच्चों इसमें जाएगा आई वन बराबर यहां 70 यहां 40 तो 70 माइनस 40 30 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस क्या है 10 तो क्या हो गया बच्चों 3 आई टू कितना हो जाएगा कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 40 माइनस 0 40 बटा 20 तो हो गया बच्चों 2 और आई थ्री क्या हो जाएगा 40 माइनस 10 यानी 30 बटा 30 यानी 1 तो क्या है बच्चों रेशियो 3:2:1 व्हिच इज द आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना ऑप्शन नंबर डी आपका आ जा रहा है भाई क्या 3:2:1 क्लियर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 43 क्या बोलता है बच्चों लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर 43 कैपेसिटर डिस्चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर सपोज T1 इज द टाइम टेकन बाय द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू अच्छा बच्चों एक चीज बताओ कि एनर्जी क्या होता है क्यू स्क्वायर बाय 2C ये फॉर्मूला था क्यू स्क्वायर बाय 2C सी तो बदलता नहीं बदलता कौन है क्यू बदलता है तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर आ रही बात समझ में यानी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का पावर 1/2 क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का पावर 1/2 क्लियर है ना बच्चों अब देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एनर्जी क्या हो जा रही है T1 इज द टाइम टेकन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू आधी हो जाती है तो मान लो ओरिजिनल क्या है बच्चों क्यू नॉट ओरिजिनल एनर्जी क्या है सपोज ई नॉट और बाद में क्या बोल रहा है सपोज क्यू हो गया तो क्यू तो एनर्जी कितनी हो जा रही है बोलता है आधी तो ई नॉट बाय 2 का 1/2 हो जाएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये करो बच्चों तो क्यू बाय क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E नॉट बाई 2 बाय E नॉट का रूट ऐसा हो जाएगा बच्चों आ रही बात समझ में तो ये हो गया आपका E नॉट और E नॉट कैंसिल हो गया तो Q बाय Q नॉट इक्वल्स टू बचा 1/2 का पावर 1/2 यानी 1/√2 ठीक है देयरफॉर Q इक्वल्स टू क्या हो गया Q इक्वल्स टू Q नॉट बाय √2 ऐसा हुआ बच्चों क्लियर है आपको अच्छा डिस्चार्जिंग के दौरान है ना आप देखो डिस्चार्जिंग के दौरान चार्ज का क्या रिलेशन था Q इक्वल्स टू Q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है ना तो चलो Q अभी कितना हो गया है Q नॉट बाय रूट टू है ना इंटू ई माइनस कितना टाइम लगा बोला T1 तो माइनस T1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों टाउ ठीक है तो ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल हो गया बच्चों तो 1/√2 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस T1 बाय टाउ पलट दो बच्चों तो ये हो जाएगा रूट टू और ये हो जाएगा ई टू द पावर T1 बाय टाउ है ना रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा अब इसका क्या कर लो लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा ये ln√2 इज इक्वल्स टू T1 बाय टाउ तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टाउ ln√2 है ना बच्चों तो ये आ गया हमारा T1 इक्वेशन नंबर ए बोल लेता हूं
ठीक है, इसको क्या बोल लेता हूँ, इक्वेशन नंबर ए बोल लेता हूँ। क्लियर है बच्चों, अच्छे से समझ में आया आपको, यहां तक लिख लेना। फिर सेम वे में अगले पार्ट में क्या बोलता है कि टी टू टाइम लगता है टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। इस बार आपको क्या करना है, 1/4 लेके जाना है। ठीक है, तो अब की बार जो आपका क्यू हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट बाय 4 हो गया 1/2। इसको मैं बोल लेता हूं क्या, इक्वेशन नंबर 3। इसको करोगे तो बच्चों q बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई 4 अपॉन ई नॉट का पावर 1/2। ई नॉट चला जाएगा बच्चों, q बाय क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या बचेगा 1/2। देयरफॉर q इक्वल्स टू क्या बचा, q नॉट बाय 2। ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। फिर से आप है ना, ये हो गया आपका 2। ये इक्वेशन फिर से यूज करेंगे अपन, ठीक है, इस इक्वेशन को अपन फिर से यूज करेंगे। तो आपकी बार क्यू कितना हो गया है, क्यू नॉट बाई 2 इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर, टाइम इस बार कितना लगा है t2 है ना, अपॉन टा, ओके, इस बार टाइम t2 लगा है। तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया बच्चों, 1/2 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस t2 बाई टाउ, रेसिप्रोकेट करो 2 इक्वल टू ई टू द पावर t2 बाई टाउ है ना, लॉग ले लो ln 2 इक्वल टू t2 बाई टाउ, देयरफॉर t2 इक्वल टू हो गया टाउ ln 2। इक्वेशन नंबर बी, ठीक है, इक्वेशन नंबर बी, ओके। अब तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको चाहिए t1 बाय t2 का रेशियो। तो कर लो t1 बाय t2 का रेशियो, t1 बाय t2 का रेशियो, वेयर इज t1, ये हो गया अपॉन t2। t1 इज tau ln root 2 अपॉन tau ln 2। तो ये tau tau कैंसिल हो गया बच्चों, ln रूट 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 1/2 अपॉन ln 2। ये पावर क्या होता है बच्चों, सामने आ जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ln 2 अपॉन ln 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/2। सो t1 t2 का जो रेशियो आया वो आया 1/2, t1 और t2 का रेशियो 1/2। कौन सा ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, अच्छे से समझ में आया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपको एक सर्किट गिवन है, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम और इधर आपने एक बैटरी लगाई है 5 वोल्ट की और इधर भी एक बैटरी लगाई है 5 वोल्ट की, ऐसा सिचुएशन है। ये पॉइंट ए बोला और ये पॉइंट बी बोला, ठीक है बच्चों। बोलते हैं कि इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड इज ज्वाइंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, इसके बीच में हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया। तो बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट में कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर में। तो बच्चों जैसा कि हमको, और ये कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि एनर्जी स्टोर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 CV², तो C तो पता है, V पता करना पड़ेगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा तो कमाल हो जाएगा। तो वोल्टेज कौन सा आएगा, जो वोल्टेज यहाँ आएगा वही वोल्टेज यहाँ आएगा। आपको बेसिकली क्या करना है बच्चों, ये वाला वोल्टेज पता करना है, ठीक है। चलो इस वाले वोल्टेज को पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, चलो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर ग्राउंडिंग कर लेता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया बच्चों, यहां से इधर जाएंगे तो माइनस से प्लस, तो प्लस 5 हो जाएगा, तो 0 + 5 यहाँ का हो जाएगा पोटेंशियल 5, इधर भी 0 से माइनस से प्लस इंक्रीज होंगे तो यहाँ का हो जाएगा क्या 5। बच्चों यहाँ का पोटेंशियल अपने को मालूम नहीं, सपोज यहाँ का पोटेंशियल क्या है वी, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है वी। अच्छा हम बात कर रहे हैं किसका, स्टेडी स्टेट का, तो आपको पता है स्टेडी स्टेट में ये कैसा काम करता है, ओपन सर्किट की तरह, तो इसको हटा लो, ठीक है। तो ऐसा है हमारा सिचुएशन, सपोज इसमें करंट गया I1, ठीक है, इधर गया I2, इधर गया सपोज I3। तो बच्चों यहां पर जंक्शन रूल लगाओ, जंक्शन रूल लगाओगे तो आ जाएगा हमारा क्या,
आई वन इक्वल्स टू आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। आई वन निकाल सकते हो बच्चों 5 माइनस बी, तो 5 माइनस बी बाय 10 इक्वल्स टू आई टू कितना हो जाएगा बच्चों v माइनस जीरो यानी v अपॉन 20 प्लस आई थ्री कितना हो जाएगा बच्चों v माइनस 5, तो v माइनस 5 बाय 10 है ना, ऐसा हो गया। तो ये देखो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 5 माइनस वी इक्वल्स टू वी बाई टू प्लस वी माइनस 5 है ना, ऐसा हो गया। तो इसको इधर बुला लेता हूं मैं, तो 5 प्लस 5 क्या हो गया 10 और ये v प्लस v क्या हो गया 2v प्लस v बाई 2 यानी 5v बाई 2, तो v से सॉरी 5 से 2 हो गया, v इक्वल्स टू आया 4 वोल्ट, ठीक है बच्चों। v इक्वल्स टू क्या आया 4 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल मेरे को पता चल गया 4 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल कितना है 0, तो यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 4 वोल्ट है ना, 4 माइनस 0 4, तो वी ए बी कितना हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। तो यही कैपेसिटेंस के अक्रॉस का वोल्टेज होगा, तो यहां का भी वोल्टेज क्या होगा 4 वोल्ट। तो एनर्जी क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी कितना है बच्चों 4 माइक्रोफेराड यानी 10 रेज़ टू माइनस 6 और वोल्टेज कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो 2 से 2 16 दूना 32, 32 माइक्रो जूल। व्हाट इज एनर्जी 32 माइक्रो जूल, अंडरस्टूड बच्चों 32 माइक्रो जूल, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। लास्ट बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45। Combination of two identical capacitors, a resistor R and a DC voltage source of voltage is used in an experiment on a RC circuit. It is found that for a parallel combination of the capacitor, the time in which the voltage of the fully charged combination during discharging reduces to half its original voltage in 20 seconds. For series combination, find the time needed for reducing the voltage during discharging of the fully charged series combination by half. See, question number 45. Question number 45. पहले क्या करता है कि दो identical capacitors को combination use किया है with series R resistance, ठीक है? Parallel combination. पहले parallel combination लगाता है. एक C और ये दूसरा C हमने क्या किया पैरेलल में यूज किया और उसके क्रॉस में R लगाया, ठीक है, एंड अ DC वोल्टेज सोर्स और इसके क्रॉस एक वोल्टेज लगाया। सपोज इसका ओरिजिनल वोल्टेज क्या है V नॉट, तो बोलता है कि T इक्वल्स टू 20 सेकेंड में, T इक्वल्स टू 20 सेकेंड में है ना वोल्टेज रिड्यूस होकर के क्या हो जाता है V नॉट बाय 2 हो जाता है, V नॉट बाय 2 हो जाता है, ये पहला केस हुआ, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि V का रिलेशन क्या हो और ये कौन सा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग का केस है, तो बताओ क्योंकि डिस्चार्जिंग के दौरान Q इक्वल्स टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ यूज हुआ करता था, दोनों तरफ C से डिवाइड कर दो बच्चों, Q बाय C क्या होता है वोल्टेज, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास V इक्वल्स टू V नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। तो बोलते हैं कि V कितना हो जाना चाहिए V नॉट बाय 2, V कितना हो जाना चाहिए V नॉट बाय 2 इक्वल्स टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस टी, टी कितना बोल रहा है 20 अपॉन टाउ, ओके। तो ये वी नॉट और ये वी नॉट कैंसिल हो गया बच्चों, 1 बाई 2 इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस 20 बाई टाउ पलट दो है ना, तो ये 2 हो जाएगा और ये 20 बाय टाउ आ जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस 20 बाई टाउ, ठीक है बच्चों। आप इसको क्या कर लो, लॉग ले लो है ना, तो एल एन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 बाय टाउ, तो टाउ इंटू एल एन टू इज इक्वल टू 20। अब टाउ क्या होता है बच्चों आर इंटू सी, एल एन टू इक्वल टू 20, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 20 अपॉन सी इंटू एल एन टू। तो मान लो बच्चों ये सी नॉट और सी नॉट है, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों सी नॉट प्लस सी नॉट टू सी नॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी के बदले 20 अपॉन टू सी नॉट एल एन टू, ठीक है। तो दो से ये हो गया 10,
तो 10 बटा सी नॉट एल एन टू है ना, ये आ गया आर का वैल्यू, अंडरस्टूड। तो इसको आप नोट कर लो एक जगह पर, आर कितना आया 10 बाय सी एल एन टू सी नॉट, ठीक है। अब बोलता है बच्चों कि हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, ये दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, फिर कितना टाइम लगेगा हाफ होने में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, जब मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करूंगा फिर कितना टाइम लगेगा उसको हाफ होने में, ठीक है। चलो तो भाई जब सीरीज में कनेक्ट करूंगा, सीरीज में कनेक्ट करूंगा, ठीक है बच्चों, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ, सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला लगता है तो सी नॉट बाय टू हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट इस बार क्या हो जाएगा, सी नॉट बाय टू, ठीक है। चलो तो अगेन क्योंकि वी इक्वल्स टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ, तो v कितना होना है v नॉट बाय टू v नॉट e टू दी पावर माइनस t निकालना है, tau v नॉट कैंसिल हुआ तो 1 बाय टू इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस t बाय tau, पलट दो बच्चों तो 2 हो गया इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा e टू दी पावर t बाय tau, लॉग ले लो ln 2 इज इक्वल्स टू t बाय tau, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tau ln 2, tau क्या बच्चों r इंटू c इंटू एल एन टू, तो आर अभी के केस में सी कितना है, अभी के केस में सी है सी नॉट बाई टू, तो सी नॉट बाई टू एल एन टू, आर की वैल्यू जो यहां से आपने निकाली थी उसको पुट कर दो, 10 बाय सी नॉट एल एन टू सी नॉट बाय टू एल एन टू एल एन टू एल एन टू सी नॉट टू से 5, तो कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड, इस बार कितना टाइम लगेगा बच्चों 5 सेकेंड लगेगा उसको हाफ होने में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सारे आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है बच्चों। तो चलो आज का डिस्कशन क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ओके।